क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे छोटा लैपटॉप कौन सा है, इसका नाम क्या रखा गया, इसका डिस्प्ले का साइज क्या है, बैटरी कैपेसिटी क्या है, प्राइस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभास माझी और आप देख रहे हैं वीवो वर्ल्ड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दुनिया का सबसे छोटे लैपटॉप के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस लैपटॉप का नाम क्या रखा गया है। तो इस लैपटॉप का नाम है थिंक टिनी, 1 इंच की स्क्रीन वाला दुनिया का सबसे छोटा लैपटॉप। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन एक शख्स ने यह खास लैपटॉप तैयार किया है। इस शख्स का नाम है पॉल क्लिंगर और इन्होंने थिंक टिनी नाम का मिनी लैपटॉप बनाया है। यह लैपटॉप IBM के थिंक पैड का छोटा रूप है। थिंक पैड को अब लेनोवो बनाती है। क्लिंगर ने इस मिनी लैपटॉप में 0.96 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस छोटे से लैपटॉप में थिंक पैड की तरह कीपैड के बीच में लाल कलर का ट्रैक पॉइंट स्टाइल कर्सर कंट्रोलर भी दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि लैपटॉप में कौन सा डिस्प्ले दिया गया है। तो लैपटॉप में दिया गया है OLED डिस्प्ले। थिंक टिनी लैपटॉप बनाने के लिए क्लिंगर ने 3D प्रिंटर केस तैयार किया है। इस मिनी लैपटॉप में 128x64 पिक्सल का OLED डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस छोटे से लैपटॉप में ATtiny1614 मिनी कंट्रोलर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें बैटरी कैपेसिटी क्या है। लैपटॉप में 300mAh का बैटरी कैपेसिटी है। मिनी लैपटॉप में 300mAh की बैटरी दी गई है। आप इसकी बैटरी को रिचार्ज भी कर सकते हैं, साथ ही इसमें दूसरे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। खास बात यह है कि इस मिनी लैपटॉप में आप गेम भी खेल सकते हैं। 1 इंच से छोटे स्क्रीन वाले इस लैपटॉप में आप स्नैक, लूनर लैंडर और ट्रेटिस जैसे गेम खेल सकते हैं। लैपटॉप में TP5400 बैटरी चार्जर भी दिया गया है। यह मिनी लैपटॉप इतना छोटा है कि आप इस अपने हथेली के एक छोटे से हिस्से में आ जाएगा। 1 हफ्ते में तैयार हुआ लैपटॉप। आपको जान के और आश्चर्य होगा कि इस लैपटॉप को बनाने के लिए सिर्फ 1 वीक का टाइम लिया गया है। इस मिनी लैपटॉप के बीच में लगे रेड बटन का इस्तेमाल आप माउस के रूप में कर सकते हैं। क्लिंगर को मिनी लैपटॉप थिंक टिनी बनाने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगा। इस मिनी लैपटॉप के कंपोनेंट्स पर क्लिंगर ने करीब $70 यानी 4900 रुपीज़ और कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर $15 यानी करीब 1000 रुपीज़ खर्च किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लिंगर क्या उसे बेचना चाहते हैं। तो पॉल क्लिंगर फिलहाल इस छोटे लैपटॉप को बेचना नहीं चाहते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति खुद के इस लैपटॉप को बनाना चाहे तो उनके लिए क्लिंगर ने पूरे कोड और डिज़ाइन अपने GitHub पेज पर डाल दिए हैं। इससे पहले पॉल क्लिंगर ने एक छोटा गेमिंग डेस्कटॉप भी बनाया था। क्लिंगर एक PhD ग्रेजुएट है। तो हम आपको इस छोटे लैपटॉप के बारे में जो भी जानकारी चाहिए था सारे डिटेल्स में बता चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।